जाए, इस कौन से हमारे साथ मौजूद हैं और सीधा अयोध्या से हमारे साथ गुंजन मौजूद है। एक बार जल्दी से अयोध्या हम आपको लिए चलते हैं क्योंकि वहां की रौनक आज देखने लायक है। गुंजन के पास जाएंगे लेकिन उससे पहले श्वेता, देखिए कहने को अयोध्या में तमाम कार्य हो रहे हैं, प्रभु श्री राम अयोध्या में आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज तो हर घर हर इलाके हर जगह पर अयोध्या है। जहां भी आप प्रभु श्री राम को स्मरण कर लीजिए आपको प्रभु श्री राम दर्शन देंगे, और जहां पर जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर भी भव्य तैयारियां। दिखाइए जरा तस्वीरें श्वेता। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम, और आपको यही कहेंगे कि अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राती। अवधपुरी की आज क्या बात करनी है, अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि खुद प्रभु से मिलने के लिए आई हो। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको इस्कॉन से दिखा रही हूँ जहाँ आप खुद राम दरबार के दर्शन कर पा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, बहुत लोग जो अयोध्या पहुंचे हुए हैं उनके लिए बेहद बहुत बड़ी बात होगी। जाहिर सी बात है कि आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन उस पावन भूमि पर लोग मौजूद हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने अपने घरों में या फिर जो जहां रह रहा है वहां मंदिरों में जाकर इस तरह से प्रभु श्री राम माता सीता लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन कर सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की आप लगातार बात कर रही थी नवजोत, और वहां पर पंडित जी बता भी रहे थे आज का दिन वाकई कई मायनों में ऐतिहासिक है। मैं आपको बता दूं अगर ये विशेष आप श्रृंगार की बात करें तो स्कॉन में भव्य तैयारी की गई है। जो पोशाक आज राम दरबार में पहनाया गया है प्रभु श्री राम माता सीता लक्ष्मण और हनुमान जी को, ये विशेष करके वृंदावन से मंगवाया गया है। और ये लड्डू आप भोग जरा देखिए यहाँ पर, प्रभु जी आप ये बताइए कि यहाँ आज भोग विशेष करके हम देख रहे हैं, बहुत लड्डुओं की तैयारी की गई है। 150 किलो लड्डू का भोग अभी लगा हुआ है, जो भी आएगा सबको एक लड्डू का प्रसाद दिया जाएगा चढ़ामृत के साथ। 150 किलो का लड्डू का भोग आज जी, जो भी दर्शनार्थी आएंगे सबको एक एक लड्डू बांटा जाएगा। विशेष करके हम बात कर रहे थे त्रेता युग को आज जीने की कोशिश की जा रही है, यानी कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम वनवास के बाद आए थे अयोध्या। जी श्वेता, एक और बड़ी बात जो इस्कॉन से लगातार हमारी इस बड़ी और 108 घंटे की महा कवरेज में हम दिखा भी रहे थे, जरा पूछेगा आप इनसे भी कि जो लक्ष्य था कि दिए जलाने हैं और उसका एक टारगेट 2 लाख रखा गया था, और उसमें था कि उस हर दिन आपको एक टारगेट पूरा करना, और आज जब अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले आपका वो टारगेट पूरा होना चाहिए, उस पर क्या तैयारी है, शाम का क्या कार्यक्रम है श्वेता? बिल्कुल महाराज जी, ये बताइए कि 2 लाख दिए जलाने का टारगेट रखा गया था, मंदिर की तरफ से किस तरह की तैयारी है, शाम में किस तरह का कार्यक्रम होगा? शाम को पहले तो 4:30 बजे भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकल जाएगी, जिसमें हमारे देशी विदेशी भक्त कीर्तन करते हुए मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे और जगह जगह उनकी आरती उतार जाएगी, 56 प्रकार का भोग भी लगाया जाएगा ठाकुर जी को। दिए कितने जले? और ठीक 6 बजे 1 लाख दिए घी के दिए जलाए जाएंगे, यानी कि इस्कॉन में आपको हम बता दें कि 1 लाख घी के दिए जलाए जाएंगे। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ये जो लड्डू का विशेष भोग यहाँ पर लगा है, जितने भी सुबह सुबह श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी को ये महाप्रसाद आज के दिन दिया जा रहा है इस्कॉन की तरफ से। 1100 किलो का लड्डू का ये भोग, और विशेष करके आज के दिन यानी कि प्रभु श्री राम जब अपने घर पर आ रहे हैं, आज प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है, ऐसे मौके पर हर श्रद्धालु को मंदिर की तरफ से किस प्रकार से मंदिरों को सजाया गया है, और श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो बहुत गहरी है, वो बहुत प्रगाढ़ है। एक बार गुंजन का रुख कर लेते हैं। गुंजन, बदली बदली से अयोध्या वासियों का इंतजार आखिरकार आज खत्म होने जा रहा है। जिस प्रकार से हम सुबह बात कर रहे हैं ना कि यहां पर जहां भी नजर दौड़ाएंगे एक ही भाव पाएंगे, भाव है राम का, भाव है राम के प्रति भक्ति का, वो आस्था जो है शब्दों के माध्यम से शायद हम बयां नहीं कर पाएंगे, आज शब्द कम पड़ रहे हैं आज। बिल्कुल ठीक कह रही है शगुफ्ता आप, मैं और आप सुबह से राम पर ही बात कर रहे हैं और एक एक दृश्य को मैं साझा कर रही हूं आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ, और यहां रहते रहते कुछ पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। स्वर्ण कपाट से हुआ सुसज्जित, भव्य भवन में आए सचित, उत्सव में नगरी है अयोध्या, सफल हुई सदियों की तपस्या, जीवंत यहाँ हर एक कला है, राम का मंदिर और राम लला है। बस मुझे यही यहाँ पर नजर आता है। देखिए इस तरीके से मंच लगाए गए हैं, पूरे जो
पथ बनाया गया है, धर्म पथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहीं से पूरा वीआईपी मूवमेंट होगा लता चौक से मंदिर की तरफ। अभी ये जो कलाकार हैं सुबह से ही यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और अभी थोड़ा थोड़ा थक रहे हैं, बैठ रहे हैं और फिर उसके बाद नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कोशिश भी करती हूँ इन कलाकारों से बात करने की, क्योंकि ये कलाकार और इनकी कला आज दोनों ही बहुत ज्यादा खास है। कैसा लग रहा है आज आपको राम के लिए, राम भक्तों के लिए नृत्य करने का मौका मिला? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो हम लोग के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस जो रामोत्सव हो रहा है उसमें हम यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और श्री राम जी की भक्ति में लीन है। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। और कौन सा नृत्य अभी कर रहे थे? जी हम लोग ये फोक नृत्य जो हमारा आता है अवधि लोक नृत्य वो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या नगरी, कैसी? बहुत अच्छी लग रही है, इतनी सजी धजी सी बिल्कुल, और इतने हर्षोल्लासित हैं हम लोग कि मेरे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। समझ लीजिए कि मैं अयोध्या नगरी में आके जीवन सफल हो गया। देखिए ये नृत्य शुरू हो गया है और इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर मंच सजे हुए नजर आएंगे नवजोत शगुफ्ता, और ऐसे मंचों पर भव्य भव्य कार्यक्रम हर तरफ देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये सिर्फ आस्था प्रेम और इंतजार है जो इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं, वो खुशी आप देख सकते हैं, फूल गिराए जा रहे हैं। पूरे अयोध्या पे आज तो पुष्प वर्षा होनी है, लेकिन देखिए क्योंकि घंटे बहुत कम बचे हुए, वक्त बहुत कम बचा हुआ, जैसे जैसे वक्त के साथ उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है।